नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान आपको देना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल सभी के मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। आप सभी इस चैनल का भरपूर लाभ लीजिए चैनल में, और इस चैनल के माध्यम से मैं केमिस्ट्री का आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईथर के बारे में जानकारी दूंगा। ईथर आर वार जिसका फार्मूला होता है, दो या दो से अधिक एल्किल एरिल ग्रुप ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़कर ईथर बनाते हैं। ईथर सममित हो सकती है सिमेट्रिकल, असममित हो सकती है अनसिमेट्रिकल। तो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होती है ईथर आर ओ आर। एग्जाम्पल C2H5 O C2H5, नंबर ऑफ टू एथिल ग्रुप कनेक्टेड विद सिंगल ऑक्सीजन देन डाइथाइल ईथर। अगर ईथर का नामकरण आईयूपीएसी करना चाहें तो उसमें ऑक्सीजन परमाणु को हम लो मॉलिक्यूलर एल्किल या एरिल ग्रुप के साथ अटैच करते हैं और उसे कहा जाता है एल्कॉक्सी ग्रुप। अगर दोनों ओर सेम हो उसमें किसी के साथ भी ऑक्सीजन को जोड़ा जा सकता है। तो पहले आप ये ध्यान देंगे कि हमेशा लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होगी और उसको बोलते हैं एल्कॉक्सी समूह। एग्जाम्पल CH3O C2H5, नंबर ऑफ वन कार्बन प्रेजेंट इन मैथिल ग्रुप, सो इट इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन और इससे अपना ग्रुप बनेगा एल्कॉक्सी। दूसरे जो एल्किल ग्रुप अपने पास उपस्थित है इसका हम लेंगे आईयूपीएसी नाम, तो मिथेन वन देन हियर इज एथिल। मेथॉक्सी इथेन, सो ऑक्सीजन कंबाइंड विथ मेथिल ग्रुप एंड फॉर्म मेथॉक्सी एथेन। इफ टू ग्रुप आर सिमिलर देन C2H5O C2H5, इसमें हम किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं और ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। इसी में अगर एरोमेटिक समूह जुड़ा होता है फेनिल ग्रुप, उसका आईयूपीएसी नाम लेना चाहें, एग्जाम्पल CH3 CH2 O C6 H5, तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड एथिल ग्रुप है और राइट साइड फेनिल ग्रुप। लो मॉलिक्यूलर वेट एथिल का होगा और उसमें अगर ऑक्सीजन जोड़ते हैं उसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। साइड में जो प्रोडक्ट बचता है इसको हम फेनिल नहीं कहेंगे, यहां पे इसका नाम आईयूपीएसी होगा बेंजीन। तो एथॉक्सी बेंजीन। तो ईथर में अगर दो ग्रुप जुड़े होते हैं ऑक्सीजन लोअर मॉलिक्यूलर वेट के साथ जुड़ जाती है। इसके बाद ईथर का अगर आइसोमेरिज्म लें आइसोमेरिज्म या समायता, जिसमें संरचना सूत्र समान होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होती है और संरचना सूत्र हम उसको बदल कर लिख सकते हैं, तो एक ही अणु को कई रूपों में लिखा जाना एक कहलाती समायता। मॉलिक्यूलर ऑफ एनी कंपाउंड आर सिमिलर बट स्ट्रक्चरल डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो ईथर फर्स्ट मेटामेरिज्म, आर वार। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु मध्य में स्थित होता है और इस कारण वो शो करता है मेटामेरिज।
पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एटम चेंज होती है और इससे उसका आईयूपीएसी नाम चेंज हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, अपन पोजीशन कैसे चेंज होता है उसको देखते हैं। अगर मैं लिख दिया CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हैं 14, ऑक्सीजन 1। इसमें दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या 3 है और इसमें किसी के साथ मैं ऑक्सीजन को जोड़ सकता हूँ, इसका नाम होगा 1, 2 एंड 3 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सो पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज जस्ट लाइक ए इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में है और एक अलग प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसी में अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं CH3 CH2 CH2 CH2, ऑक्सीजन CH2 एंड CH3, तो दूसरे फार्मूला में भी नंबर ऑफ कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 14। इसमें पोजीशन आफ्टर देन 2 कार्बन ऑक्सीजन है, यहां पे 3 कार्बन के बाद ऑक्सीजन था। अब इसका अगर आईयूपीएसी नेम अपन चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2, इसमें 1 2 3 एंड 4, इसलिए इसका नाम अब आएगा एथॉक्सी ब्यूटेन। तो पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एटम चेंज होने से आईयूपीएसी नेम चेंज हो जाती है और वही पोजीशन चेंज होना कहलाता है मेटामेरिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ईथर का दूसरा जो आइसोमेरिज्म होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ईथर एल्कोहल के साथ शो करता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला हैव बीन टू रिटन इन टू फॉर्म ईथर एंड एल्कोहल। इट इज पॉसिबल टू चेंज, सो इट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल नंबर ऑफ C2 हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसको मैं दोनों रूप में लिख सकता हूं, एल्कोहल में भी और ईथर में भी। एग्जांपल ऐसे CH3 O CH3, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मेथॉक्सी मिथेन। यहां पे जो क्रियात्मक समूह हमको मिल रहा है वो हो गया ईथर, आर वार ग्रुप है इसलिए कहलाएगा ईथर। दूसरा इसी को मैं एक्सचेंज कर सकता हूं एल्कोहल में, किस तरह से होगा CH3 CH2 OH, नंबर ऑफ कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ 2 कार्बन कंबाइंड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन दैट इज एल्कोहल। नंबर ऑफ कार्बन 1 एंड 2 इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो ईथर एल्कोहल के साथ क्रियात्मक समवायता दर्शाता है। इसके बाद हम आते हैं ईथर के संरचना में, कौन सी उसमें संकरण होती है और उसके बॉन्ड एंगल क्यों इफेक्टेड होते हैं। आर वार ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। इथर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 प्रकार होता है और इसमें बॉन्ड एंगल एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल होती है 109.28, उससे थोड़ा सा अधिक होता है 110। तो ऐसा क्यों होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन परमाणु जिसका क्रमांक 8 है 2 एंड 6, अगर इसका कॉन्फिगरेशन लेते हैं 1s2 2s2 2p4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 2s2 एंड नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2px y एंड z, 1 2 3 4, नंबर ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है ऑक्सीजन एटम में और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जुड़ते हैं एल्किल रेडिकल
या एरिक रेडी का, तो कोई भी जैसे C2H5 एथिल समूह अपन जोड़ दिए C2H5, तो ऑक्सीजन परमाणु में हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार होगा sp3, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2 एंड नॉन बाइंडिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट 2, सो नंबर ऑफ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आर नॉन बाइंडिंग एंड दे आर अफेक्टेड बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर, और इसी कारण ईथर की जो बॉन्ड एंगल होती है सामान्य जो बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री उससे ज्यादा हो जाता है और उसका प्राप्त होता है हमको 110 डिग्री। तो ऑक्सीजन नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन C2H5 रिपल्शन होती है लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के कारण और बॉन्ड एंगल एक्सेस हो जाता है 110, तो रिजन होती है ईथर एटम में sp3 होने के बाद भी उसका बॉन्ड एंगल 109.28 क्यों नहीं होता है, दैट रीजन इज एक्सप्लेन्ड बाय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। आज इस चैनल में हम इतना ही करते हैं, इसके बाद ईथर बनाने की प्रोसेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में फिर आपको जानकारी दी जाएगी।